हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स ये बहुत सारी एग्जामिनेशंस का एक पार्ट होता है, चाहे वो KVS एग्ज़ाम हो, SBIPO, RRB, SSC या रेलवेज़ या और कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। करंट अफेयर ये एक इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी सेक्शन होता है। तो आज हम देखेंगे कुछ लेटेस्ट करंट अपडेट्स। अप्रैल के मंथ में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उनके आज हाईलाइट्स हम देखेंगे। ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, इनको ऑफिशियली कहा जाता है गोल्ड कोस्ट 2018। कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। इसका मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर बहुत सारे गेम्स का कंपटीशन होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटेंट्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की जो गोल्ड कोस्ट सिटी है, जो कि क्वींसलैंड स्टेट में है, वहाँ पे ये गेम्स हुए थे। ये गेम स्टार्ट हुए 4 अप्रैल को और एंड हुए 15 अप्रैल को। क्योंकि ये सारे गेम्स गोल्ड कोस्ट नाम की सिटी में हुए थे, इसलिए 21st कॉमनवेल्थ गेम्स को गोल्ड कोस्ट 2018 भी कहा जाता है। इन गेम्स का मोटो इस साल के लिए था शेयर द ड्रीम्स। मोटो यानी शीर्ष वाक्य या ब्रीद वाक्य हम जिसे बोलते हैं, ये इसका मोटो था। जो ओपनिंग सेरेमनी था, ये किया था चार्ल्स ने। चार्ल्स इज़ द प्रिंस ऑफ वेल्स। वेल्स एक ऑस्ट्रेलियन स्टेट है। कॉमनवेल्थ गेम्स का वेन्यू था करारा स्टेडियम। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो क्विंस बैटन लेके फाइनली रन करता है, जो रनिंग करता है, वो लेडी थी सैली पियर्सन। सैली पियर्सन ये एक ऑस्ट्रेलियन एथलीट है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम कौन से स्टेडियम में हुए थे, या तो ओपनिंग किसने किया था, या फाइनल बैटन रनर कौन था। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम हाइलाइट्स देखेंगे इस गेम के। इंडिया ने जो है इस बार बहुत ही अच्छी कामगिरी की है। इंडिया मेडल्स के पोजीशन में थर्ड रैंकिंग में था, यानी थर्ड टॉप मोस्ट मेडल इंडिया को मिले थे, इंक्लूडिंग ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इंडिया ने एक्वायर किया थे इस बार। इंडियाज़ शूटर्स वेयर द मोस्ट सक्सेसफुल विथ टोटल 16 मेडल्स। शूटिंग का जो गेम है उसमें इंडिया काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसमें इंडिया ने 7 गोल्ड मेडल्स, 4 सिल्वर मेडल्स और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इंडियाज़ टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन प्लेयर्स वेयर ऑल्सो डोमिनेटिंग। इन ऑल इंडिया वोन 8 मेडल्स इन टेबल टेनिस। टेबल टेनिस ने इंडिया ने टोटल 8 मेडल्स जीते। 2018 कॉमनवेल्थ गेम हैज़ बिकम इंडियाज़ थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल CWG ऑफ ऑल द टाइम। मतलब हिस्ट्री में जितनी बार भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, उनमें जब भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, तो हिस्ट्री में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इंडिया को काफ़ी भारी जीत हासिल हुई है। इंडिया वॉज द बेस्ट नेशन इन 5 डिसिप्लिनस। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को 5 खेलों में बेस्ट घोषित किया गया, वेटलिफ्टिंग, शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। और इंडिया वॉज द सेकेंड बेस्ट नेशन इन बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में हमारा सेकेंड बेस्ट नंबर था, यानी हम दूसरे स्थान पे थे। करंट अफेयर्स के अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के नीचे राइट हैंड साइड में एक रेड कलर का बेल आइकॉन, यानी बेल का चिन्ह आपको दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर दें तो हर नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलेगा। अब हम देखते हैं कंट्री वाइज गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स। ऑस्ट्रेलिया ने 80 गोल्ड्स जीते, 59 सिल्वर जीते और 59 ब्रॉन्ज जीते। ऑस्ट्रेलिया का टोटल काउंट है 198। उसके बाद इंग्लैंड ने 45 गोल्ड जीते, 45 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज। तो इंग्लैंड का टोटल स्कोर है 136
और इंग्लैंड का रैंक आता है सेकंड रैंक इन द केस ऑफ मेडल्स। इंडिया ने 26 गोल्ड जीते, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, तो टोटल हमारा काउंट होता है 66 मेडल्स और हमारा रैंकिंग आता है थर्ड। फोर्थ रैंकिंग है कनाडा का, कनाडा ने 15 गोल्ड जीते, 40 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज, तो कनाडा का टोटल काउंट है 82। अब यहाँ आपको एक सवाल आएगा आपके मन में कि कनाडा के तो 82 मेडल्स है और हमारे 66, फिर कनाडा थर्ड रैंक पे क्यों नहीं है? तो इसका कारण ये है कि इंडिया का जो गोल्ड मेडल का नंबर है वो यहाँ पे हाई है कनाडा से ज़्यादा। कनाडा का जो गोल्ड मेडल्स जीतने का नंबर है वो इंडिया से लगभग आधा है। सो गोल्ड मेडल जीत के ज़्यादा उसको हायर रैंकिंग, इस हिसाब से इंडिया को थर्ड रैंकिंग है और कनाडा को फोर्थ रैंकिंग है। फिफ्थ रैंकिंग मिला है न्यूजीलैंड को, 15 गोल्ड, 15 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज, टोटल 46। सिक्स रैंकिंग मिला है साउथ अफ्रीका को, 13 गोल्ड, 11 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज, टोटल नंबर है 37 एंड रैंकिंग है 6। सेवन्थ रैंकिंग पे है वेल्स, 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज, टोटल 36 मेडल्स वेल्स को मिले हैं। एट्थ रैंकिंग पे आता है स्कॉटलैंड विथ 9 गोल्ड, 13 सिल्वर एंड 22 ब्रॉन्ज, टोटल है 44 मेडल्स। नाइन्थ रैंकिंग मिला है नाइजीरिया को, 9 गोल्ड, 9 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, टोटल 24 मेडल्स। और टेंथ रैंकिंग मिला है साइप्रस नाम की कंट्री को, जिसमें 8 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल, ये सब मिला के 14 टोटल मेडल्स हो जाते हैं। तो इस तरह से टोटल गोल्ड कॉमनवेल्थ में जीते गए, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल कितने गोल्ड जीते गए, तो इसका आंसर है 275 गोल्ड और सिल्वर मेडल्स 276 और ब्रॉन्ज मेडल्स 289, टोटल 840 मेडल्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी हम इंडिया के लिए स्पोर्ट वाइज मेडल लिस्ट देखेंगे। इंडिया के लिए शूटिंग में 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, तो शूटिंग में टोटल मेडल्स 16। उसके बाद रेसलिंग में 5 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज, तो टोटल मेडल्स हो गए 12 मेडल्स इन रेसलिंग। उसके बाद वेट लिफ्टिंग में 5 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज, तो वेट लिफ्टिंग में टोटल मेडल्स हो गए 9। बॉक्सिंग में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज, तो टोटल मेडल्स हो गए 9। टेबल टेनिस में 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, तो टेबल टेनिस में टोटल मेडल्स हो गए 8। बैडमिंटन में 2 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज, तो टोटल मेडल्स हो गए 6। एथलेटिक्स में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज, तो टोटल मेडल एथलेटिक्स में हो गए 3। स्क्वाश में 0 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 0 ब्रॉन्ज, तो स्क्वाश में हमें टोटल 2 मेडल्स मिले हैं इंडिया को। पावर लिफ्टिंग में 0 गोल्ड, 0 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज, सो टोटल मेडल्स आर 1 इन पावर लिफ्टिंग। तो टोटल इंडिया ने 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं, जिनका टोटल हो जाता है 66 मेडल्स। इंडिया ने इन ऑल कितने मेडल्स जीते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है, उसका आंसर है 66। इसके बाद हम गोल्ड मेडल विनर्स, सिल्वर मेडल विनर्स और ब्रॉन्ज मेडल विनर्स के नाम देखेंगे। आप ये वीडियो पॉज करके आराम से ये नाम पढ़ के याद कर सकते हैं। सारे नाम आपको याद ना भी रहे, लेकिन आपको क्या करना है कि सारे नाम 2-3 बार, 4 बार, ये पूरे चार्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा तो आप उससे फैमिलियर होंगे। इसको आपको बार 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 रिवाइज़ करना है। इम्पॉर्टेंट फिगर्स जो है, जो इससे पहले हमने टेबल्स देखे, वो भी आपको रिवाइज़ करने हैं कि कौन सा देश टॉप पे था या वेन्यूज़ कौन सा था। ये सारी चीज़ें आपको बार 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 रिवाइज़ करनी है, तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी।
स्पोर्ट्स वाइज और गोल्ड मेडल वाइज ये टेबल्स को सेग्रीगेट किया गया है। अभी आते हैं गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन। नाउ द गोल्ड मेडल्स इन रेसलिंग। नाउ द गोल्ड मेडल्स इन बॉक्सिंग एंड एथलेटिक्स। अब आता है सिल्वर मेडल्स। आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारे मेडल्स देख सकते हैं कि कौन से किसको कौन सा मेडल मिला था और कौन से स्पोर्ट में। आपको स्पोर्ट भी याद रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि ये जो नाम है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। और कॉमनवेल्थ गेम क्योंकि अभी हो चुके हैं तो कॉमनवेल्थ गेम के जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम के सारे करंट अफेयर्स आपको बाय हार्ट याद करने हैं। बहुत अच्छे से आपको बार बार रिवाइज करके माइंड में रखना है। दोस्तों इस वीडियो के बाद हम करंट अफेयर्स का भी एक सीरीज़ इस चैनल में चालू करने वाले हैं, बिकॉज़ करंट अफेयर्स ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का अटूट हिस्सा है। तो ये सारे करंट अपडेट्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।